यहाँ और यहाँ तूने सॉल्व कर लिया ना, तो अगर यहाँ पे 3 मिनट में ले भी लिए ना तब भी तू जीत गया। ठीक है ठीक है। निष्कर्ष को पूरे टास्क में वो बॉल के साथ टास्क करना था, जो कि फेयर मेरे को नहीं लग रहा था, वो भी फिनाले में आ गया। गुड लक। मेरे दिमाग में एक चीज थी, डिसएडवांटेज आ गई है तो आ गई है, पर मैं उसको एक एक्सक्यूज या ड्रॉबैक लेके नहीं चलना चाहता था। जब मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा मैं उतने ही ज्यादा फोर्स से परफॉर्म करूंगा। मैंने क्यू कार्ड खोला, उसमें पता चला कि मुझे जो भी लोग अभी तक वोट आउट हुए हैं उनको अरेंज करके रखना है। यही ट्वीट करना तुझे टाइम। जिस हिसाब से उसने पजल अरेंज करना स्टार्ट करा था, ये दिख रहा था कि निष्कर्ष जूम जैप जूम कर देगा। कौन निष्कर्ष? कौन निष्कर्ष? फिनाले है, पास पास नहीं होगा निष्कर्ष, ऐसे नहीं होगा। कल निष्कर्ष सब होएगा, तू ही जीतेगा। कहाँ जा सब निष्को निष्को निष्कर्ष पाते निष्को निष्को डालेगा। लव यू। एक बहुत ही डर्टी साइड ऑफ द गेम देखने मिली कि नेहा मैम की गैंग मेंबर्स ने डिसाइड करा था कि वो निष्कर्ष को डीमोटिवेट करने के लिए अनाप शनाप बातें करेंगे, जो कहीं ना कहीं कशिश के परफॉर्मेंस के टाइम पे हमने नहीं करी। चल चल निष्कर्ष, टाइम वेस्ट है, तुम्हें पता है आ गया, तेरे पास टाइम बीतेगा, तेरे पास बॉल भी है। 8 मिनट्स अब, 2 मिनट्स लेफ्ट, कम ऑन निष्कर्ष। One minute left. Shit. 30 seconds. मैं अपनी गलती को ठीक करने में लगा रहा, 10 मिनट कंप्लीट हो गए थे और मुझसे वो फर्स्ट स्टेज नहीं कंप्लीट हो पाया। And I was like, yes, 10 minutes. निष्कर्ष से भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था बाकी चीजों में कशिश बहुत तेज था। Okay, go, go. मैं 2 मिनट के लिए सब ब्लैकआउट हो गया था, कुछ नहीं पता चला था कि मैं कहाँ हूँ, क्या टास्क चल रहा है। नहीं, अगर तुम इसको नीचे रखोगे तो ये लात खाएगा। अगर नहीं उठाना बोलो, मैं आके उठा सकता हूँ भाई, मना कर देना यार। जो वहाँ के कंटेस्टेंट थे, जो रफ्तार के गैंग के थे, वो नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं निष्कर्ष जीते। तो मैंने पूछा क्या या क्या रस्सी मैं खींच सकता हूँ। नेहा, are you okay with Prince and Raftar pulling निष्कर्ष? I'm okay with it. Okay, Prince and Raftar उसको पुल करो, when I say time will start. Okay, ready? 3, 2, 1, go. मार मत उसको, मारो मत इसे, को पकड़ के आगे जा, या हाथ पकड़ ले, मैं उसके हाथ पकड़ ले, नहीं नहीं, नो किकिंग, नो किकिंग, हाथ पकड़ ले। ऑलमोस्ट, कम ऑन निष्कर्ष, कम ऑन निष्कर्ष, यू कैन डू इट, कम ऑन, यस, गो 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 गो, खींचो खींचो खींचो, ऑफ लाइक खींचो खींचो खींचो। ध्यान से निष्कर्ष, फोकस होके बैठ के रोस्टम से आगे। तीसरा स्टेज था बो एंड एरो। मैंने अपनी लाइफ में आर्चरी कभी नहीं की थी। निखिल सर ने मेरे को एडवाइस किया था कि बो एंड एरो को कैसे यूज करना है। निष्कर्ष ऊपर से पकड़, ऊपर से, लेफ्ट हैंड फ्रॉम ऑन टॉप, ऑन टॉप, वन मोर लिटिल मोर ऑन टॉप। कृति, रो को और नीचे से पकड़ के हिला। ब्लैकआउट होने की वजह से उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मुझे दिख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ एम कर पा रहा हूँ। ओ तेरी निष्कर्ष, चेक, अलाइन कर तीनों चीजों को और छोड़, चल करके हिला तेरे, छोड़ दे, अब फोकस। ओ निष्कर्ष, ओ गुड वन, ओके 2 मिनट्स। आखिरी एरो था, वेस्ट हो गया और यहाँ पे भी पेनल्टी की वजह से मुझे 2 मिनट वेट करना पड़ा। ये बहुत ही सैड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस से अभी तक बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं था। 5, 4, 3, 2, 1, इजी। नीचे आने के बाद जो सोनू का वेट कर रहा था, हमें पता था कि 3 मिनट वो भी उसके जाने नहीं देगा क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज है। 3, 2, 1, go.
6, 6. Ah, yes. Come on, Nishkarsh. मुझे पता था मैंने पहले वाले स्टेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मैं वहां पे हार नहीं मान सकता था। उसने जो सोनू को फाइट दी, मुझे लगता है कि वो हीरो दूसरी बार बन गया मेरी नजरों में। एक तो वो पिछले टास्क में जहां पर उसने बॉल रोक के शरण को निकाला, और एक अभी। उन्होंने इसको मरोड़ के रखा, पर उसने कुछ नहीं देखा, उसे आखिरी मोमेंट तक लड़ता रहा। 5, 4, 3, 2, 1, शॉट, गो 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 गो। अभी तक के सारे स्टेज मेरे अगेंस्ट ही गए हैं, सब में ही मेरे को पेनल्टी मिली है। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था मैं अपनी परफॉर्मेंस से, पर मैं गिव अप नहीं करना चाहता था। अपना टास्क खत्म तो कर चुका था, अंदर से खुशी नहीं थी, अपनी परफॉर्मेंस से खुशी नहीं थी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। For the last time on Roadies Extreme, I have the results in my hand. सबसे पहले मैं निष्कर्ष आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया, 19 minutes 40 seconds. Well done. You didn't give up. मेरे हिसाब से when you don't give up, that's all you need. Well done. I'm really proud of you. Already a winner. मुझे प्रिंस सर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस बार ये विन उनके लिए लाऊं। उनके लिए वो सपना मैं तो पूरा नहीं कर पाया, मुझे था काश प्रीति उनके लिए ये सपना पूरा कर दे। कशिश, आपने पूरा टास्क किया 15 मिनट 19 सेकंड। जिस मकसद से मैं आया था, जितनी तैयारी करके मैं आया था, जो पूरी जिंदगी मैंने इस रोडीज का सपना देखा है, आज वो मोमेंट था और मैं बस इंतजार कर रहा था रन सर के रिजल्ट का कि मैं या प्रीति। प्रीति, आपने किया 17 मिनट 26 सेकंड। On the top of the world, जो सालों से मैंने सपना देखा था, आज वो सपना सच हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ये टाइटल जीत लिया है। And I was like, boom, did it again. That's it. I have nothing else to say. I won. So proud of you. Well done. जिस चीज के लिए मैं यहाँ तक आया था, इतना सर्वाइवल किया, इतनी बातें सुनी, इतने अप्स एंड डाउन्स करे, और जिस जर्नी को जी के मैं यहाँ तक पहुँचा था, आज मैं वो रोडीज एक्सट्रीम का टाइटल जीत चुका था और आज मैं था द अल्टीमेट रोडीज एक्सट्रीम विनर। कांग्रेचुलेशंस नेहा, हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। नेहा, टू टाइम विनर नाउ। टू टाइम विनर, बीट दैट। All right, ladies and gentlemen, the time that we've been waiting for, Kashish. Congratulations, so proud of you. You have earned so many things, but the badge of winning roadies, the Renault Duster. ये फीलिंग द अल्टीमेट फीलिंग थी, क्योंकि पहली बार जिंदगी में मैंने एक गाड़ी खुद अर्न की थी, अपनी परफॉर्मेंस से अर्न की थी, वो भी रेनो डस्टर। एंड नाउ
with the winner. Let's take a Oppo selfie. Come.